दरभंगा एयरपोर्ट पर 2.42 करोड़ जमीन में 38 करोड़ रुपए से बनेगा सिविल इंक्लेव। दरभंगा एयरपोर्ट से आवागमन करने वाले यात्रियों को अगले साल से सिविल इंक्लेव में भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। यात्रियों की अधिक संख्या के मद्देनजर वर्तमान टर्मिनल भवन के निकट नया सिविल इंक्लेव बनाया जाएगा। नया टर्मिनल 2.42 करोड़ एकड़ में बनेगा। यह स्थान वर्तमान टर्मिनल के बगल में है। जानकारी के अनुसार 10 दिनों में भवन निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। भवन के सीमांकन का काम प्रारंभ है। सिविल इंक्लेव बनाने में कुल 38 करोड़ की लागत आएगी। आगामी 9 माह यानी 2023 के सितंबर माह तक भवन बनकर तैयार हो जाएगा। नए भवन आ जाने से यात्रियों को आवागमन व प्रस्थान में सहूलियत होगी। नए भवन से यात्रियों को एयरपोर्ट में प्रवेश मिलेगा। वहीं वर्तमान सिविल इंक्लेव से पैसेंजर बाहर निकलेंगे। बता दें कि 8 नवंबर 2020 को दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान सेवा की शुरुआत की गई थी। तत्काल 300 यात्री क्षमता के टर्मिनल भवन बनाया गया था। कुछ ही माह में यात्रियों के जबरदस्त रिस्पांस से यह भवन छोटा साबित होने लगा। दरभंगा एयरपोर्ट से डेली यात्रा करने वालों की संख्या 1000 से 1500 के बीच हो गई। इसमें धीरे धीरे इजाफा होते चला गया। वर्तमान में सामान्य दिनों में यात्रियों की संख्या 1500 से 2000 के बीच रहती है।